आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति जो 14 तारीख को आता है लगभग हर साल, तो एनीवेज कभी 14 का 15 भी हो जाता है। तो मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है, इससे तमाम तरह के जो रोग हैं वो दूर हो सकते हैं अगर आप उसमें स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। ये हुआ पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, मकर संक्रांति में उत्तर भारत में ठंड का समय रहता है, तो ऐसे में तिल गुड़ का सेवन करने के बारे में विज्ञान भी कहता है कि आपको तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने पर शरीर को ऊर्जा मिलती है जो सर्दी में शरीर की सुरक्षा के लिए मदद करता है। अब तीसरा बेनिफिट हम आपको बता दें, उस दिन क्या खाया जाता है। आप नॉर्थ में जाएंगे तो चूड़ा दही खाया जाता है, तिलकुट खाया जाता है, उस दिन खिचड़ी भी बनता है। तो इस दिन खिचड़ी का सेवन करने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। खिचड़ी पाचन को दुरुस्त रखती है, इसमें अदरक और मटर मिलाकर बनाने पर यह शरीर को रोग प्रतिरोधक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। ये इसके वैज्ञानिक कारण है जो आपको फायदा पहुंचाता है बॉडी को। मतलब ओवरऑल देखिए, हमारे शास्त्रों में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं हमारे धर्म के हिसाब से, सारे के सारे में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रीज़न जुड़े हुए हैं। हम जो भी त्यौहार मनाते हैं, तो उसी तरह हमारा जो ये मकर संक्रांति है वो भी हमारा हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे अगर आप चाहें तो, और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर अपने कमेंट भी दीजिए, और यदि अच्छा लगा तो आप लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।